वो रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। इंस्पेक्टर विजय राजीव सिन्हा के कत्ल की जांच करने उस्मान और गुप्ता के घर आता है, जहां उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती है। शिप्रा रोशनी को अपने पति के लॉकर से मिले बंदूक, नक्शे और कुछ खुफिया सरकारी कागजात ये कहते हुए दिखाती है कि शायद उसका पति देशद्रोही था। राजीव सिन्हा की बहन रोशनी सच्चाई स्वीकार नहीं करती और कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर हॉस्टल में रहने का निश्चय करती है। राजीव सिन्हा का सहकर्मी राहुल शिप्रा से मिलकर राजीव सिन्हा के बारे में वो सब कुछ जानना चाहता है जो पत्नी की हैसियत से शिप्रा जानती है। राहुल शिप्रा को विश्वास दिलाता है कि राजीव सिन्हा देशद्रोही नहीं था। शिप्रा राहुल को सब कुछ बता देती है। इस छानबीन को हर कीमत पे जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश लेकर राहुल के चीफ खुद उससे मिलते हैं। और अब आगे। लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बाद में आना। रानी जी, देखिए मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुमने मुझे तकलीफ दी है। कोई भी ऐरा गहरा आकर मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। रानी जी, मैं आपसे एक बार मिलकर आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने किया वो क्यों किया। प्लीज मुझे मौका दीजिए। क्या मैंने तुमसे सफाई मांगी? नहीं रानी जी, मगर फिर भी मैं आपको सफाई देना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ ये मेरी जरूरत है, आपकी नहीं, मगर बस एक बार मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ रानी जी। दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों मैं कुछ टेंस था। एक तो काम की टेंशन, ऊपर से कोई आसपास भी नहीं जिसे मैं अपनी तकलीफ बांट सकूँ। बस अपनी तकलीफ बांटने के लिए तो मुझे फोन कर सकते थे। रानी जी, मैं आपको फोन करता तो आपसे मिले बगैर नहीं रह पाता, क्यों ये मेरे बस में नहीं कि मैं आपकी आवाज सुनूं और आपसे मिल ना सकूं। दिल के बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि आज भी तुम मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आए बिना नहीं रह सके। रानी जी, मेरे लिए वक्त थम गया है, गुजर नहीं। आज भी मैं आपको उतना ही चाहता हूँ जितना मैं आपको पहले चाहता था। तुम मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोलोगे और मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं तो मुझे माफ कर देना। जी, यही बात आप मेरी आंखों में देखकर कहिए, कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, क्यों क्यों नहीं देख सकती मेरी आंखों में आप? क्योंकि जब मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो मेरे अंदर एक तूफान सा आ जाता है, खुद पर काबू नहीं रहता मेरा। राहुल, अपने हाथों से छूटती जाती हूँ मैं। नहीं राहुल, मुझे कमजोर करने की कोशिश मत करो। प्लीज गो अवे, अभी इसी वक्त चले जाओ यहां से। नहीं रानी जी, आपकी जुबान कह रही है चले जाओ, लेकिन आपका जिस्म कुछ और कह रहा है। धोखा दे रही है अपने आप को आप। क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हैं आप? अपने आप को धोखा देना है, तकलीफ देना है राहुल, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इंसान ये ज्यादा देर तक नहीं भूल पाता कि वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। जाओ राहुल, जाओ राहुल। रानी जी, आप
एक ग्लास ठंडा पानी देंगी? कुछ गला सूख सा गया मेरा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है राहुल, मेरे सर में दर्द है और दिमाग भी गर्म है। I'm sorry, I was rude to you. तुम जाओ राहुल, मुझे डर है कि मैं कुछ ऐसा ना कर बैठूं जिसके लिए मुझे पछताना पड़े। तुम जाओ राहुल। अनिल जी, अपना ध्यान रखिएगा आप। यार, घर जाने की आखिर इतनी जल्दी है क्या? और अगर घर ही जाना है तो भाई जंदे में क्यों आए थे? भाई साहब, आप किसी पोस्ट ऑफिस में भी कुछ काम कर सकते थे ना, किसी जगह पर क्लर्क हो सकते थे ना, 9 से 5 की नौकरी करते भाई, शाम को दारू पीते और सो जाते। वरना तो बहुत अच्छा होता अगर आप किसी जगह पर मास्टर बन जाते। बहुत सारी छुट्टियां होती है, गर्मी की छुट्टी, जाड़े की छुट्टी, बरसात की छुट्टी है। ये जर्नलिज्म है साहब, जर्नलिज्म। यहाँ कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती है, यहाँ अपने घर परिवार को भी लात मारनी पड़ती है, यतीम बन करके रहना पड़ता है आदमी को। मुझे देखो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अगर होता ना तब भी उसको लात मार के आगे निकाल देता। मैं हर वक्त अपने इर्द गिर्द हवा में सिर्फ खबरें सूंघा करता हूँ, जमीन में तक खोद खोद के, गाड़ गाड़ करके, गड़ी हुई खबरें निकाल करके उनको अखबार में छापा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट का काम होता है कुछ भी हो जाए कहीं से भी निकालो, एक खबर निकालो और उसको छापो, बस इतनी सी बात है। समझे कुछ? न्यूज छपने की बात करें सर, ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता यार, एक बार कहीं से भी खबर खोज करके निकालो किसी भी तरीके से। अगर खबर नहीं है ना तो उसको पैदा करो, खबर को पैदा कर दो भाई, दूसरे दिन उसको जाकर के खंडन कर दो कि ठीक है ये खबर गलत थी। हेलो रावत साहब, एक छोटे से न्यूज़पेपर के एडिटर को इतने जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। कौन बोली? कनीज का नाम रानी चौहान है। ओहो रानी जी, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, आज तो दिन में तारे निकल आए। बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी। मुकेश अग्रवाल की पार्टी के बाद शायद आपका पहला फोन है। उस पार्टी की बात मत कीजिए, उस कमबख्त पार्टी के अलावा भी बहुत से गम है दुनिया में। क्या करूं रानी जी, बुरी आदत है मेरी, हमेशा चीजों को एक बंधे हुए दायरे में देखा करता हूँ। वो छोड़िए, क्या हाल है आपके पर्चे का? अरे नहीं 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 भाई, इतने बड़े अखबार को आप पर्चा तो मत कहिए। आप मेरे दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी सी वीक है, आपको मालूम नहीं है कि कितने हजार कॉपियां छपती है मेरे अखबार की। पता है कितनी हजार कॉपियां छपती है?
इन 1000 कॉपियों को लाखों में तब्दील करना चाहेंगे आप? मतलब? मेरे पास एक ऐसी सनसनीखेज खबर है, अगर आपका अखबार उसे छाप दे, मुझे भी आपसे एक मेहरबानी चाहिए। सादेबाजी में आपका जवाब नहीं है रानी। पुरानी आदत है मेरी, लेकिन एक बात बता सकती हूँ, मेरे पास गर्मा गर्म प्यार भरे खत है किसी के। ये बताइए कि ये खत है किसके? एक MP साहब है, मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इसके बदले में मुझे क्या करना है? राहुल नाम है उसका, मुझे उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। मुझे लगता है मेरे अलावा कोई और भी है उसकी जिंदगी में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक काम कीजिए, आप मुझे इन राहुल साहब का जरा पता दीजिए। लिखिए, राहुल मल्होत्रा, स्पेस एज कंप्यूटर्स, सबूत इकट्ठा करना मेरा अधिकार है, समझी आप? बिल्कुल नहीं, सर्च वारंट है यहाँ का, यहाँ के लोगों से परमिशन ली है तुमने सर्च करने की? अरे पुलिस वाले होकर गैर कानूनी काम करते हो? और आप बहुत कानूनी काम कर रहे हैं ना, आप पर ये कानून लागू नहीं होता है? किसकी इजाजत से घुसे आप अंदर यहाँ पर और कर रहे हैं यहाँ पर? आप, मैं आपसे पूछता हूँ। अरे भाई का खून हुआ है, मैं खूनी को ढूंढ रही हूँ, समझे? होती कौन है खूनी को ढूंढने वाले? की बातों में दखल दे रही हैं। एक बार पहले भी कह चुका हूँ, ये पुलिस का काम है, इसको पुलिस का काम रहने दीजिए। पुलिस? कौन पुलिस? तुम? हाँ, मजाक बना रखा है। अरे तुम जैसे लोग किसी को नहीं ढूंढ सकते, समझे? खूनी को तो आप पकड़ेंगे ना? आप पकड़ेंगे खूनी को? अच्छा, बड़े ऊंचे ख्याल आ गए आपके। इंस्पेक्टर, तुम में और मुझ में एक छोटा सा फर्क है, जो जमीन और आसमान का फर्क है। मैं एक एक सबूत की अच्छी तरह से छानबीन करती हूँ, एक एक क्लू को एग्जामिन करती हूँ, समझे? फिर तो यहाँ तक पहुँचने का भी सुराग कहीं ना कहीं तुमको मिला ही होगा। मिला होगा? मेरी स्मार्ट इंस्पेक्टर। किसने दिया वो सुराग, बताओ? रावत ने दिया? ये मेरा राज है और मैं अपने राज किसी को नहीं बताती, समझे? Get out. छोड़ो मुझे। Come on, let me help you. Come on. छोड़ो। अरे come on. क्या हुआ? क्या हुआ? आपने मेरी गर्दन पे कुछ ज्यादा ही जोर से वार कर दिया। चलिए। मैंने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया, तुमने अटैक किया। चलिए। I'm gonna...
मैडम, ये न्यूयॉर्क सिटी नहीं और ना ही मैं न्यूयॉर्क पुलिस का आदमी। एम्बुलेंस आपको सुबह मिलेगी, फिलहाल मैं ही आपके आदमी। भारी हूं मैं? नहीं नहीं, जैसी भी है कोशिश कर रहा हूं। तो फिर क्या मतलब? मतलब वही जो मैंने आपसे कहा, और क्या मतलब? तो फिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं मुस्कुरा रहा हूँ? अच्छा नहीं, वो मैं आपको जमीन पे नीचे रख दूंगा ना तो फौरन बंद हो जाएगी मुस्कुराहट। आउच! रानी चौहान का काम है। मेरी रानी चौहान? मुंह संभाल के। अरे अरे, मुंह संभाल के ही तो बात कर रहा हूं। उस रानी चौहान ने हमारे लिए खतरा पैदा किया है, हम लोग पहचान लिए जाएंगे। तुम समझते क्यों नहीं? कहना क्या चाहते तुम? हाँ, रानी चौहान यहाँ आई थी, सपोर्ट तोड़ गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो यहाँ आई थी, लेकिन क्या वो किसी को भेज नहीं सकती यहाँ? तो बकवास करने के लिए उस टाइम नहीं हूँ। साफ साफ बताओ तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तुमने फोन पर क्या सुना? हाँ, वो इन्फॉर्मेशन नहीं सुन पाया क्योंकि फोन पर सुनाई नहीं दे रहा था। माइक्रोफोन मैंने खुद सेट किया था और बिल्कुल सही सेट किया था। वो तुम्हारी खोपड़ी में सेट किया होगा, लेकिन वहां पे नहीं सुनाई दे रहा था। और तुम्हारे जाने के बाद उस औरत ने किसी को फोन किया था, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो रही थी, लेकिन मैं एक शब्द सुन नहीं पाया। अरे तुम्हारे कान तो ठीक है? तुम्हारी खोपड़ी से अच्छे है मेरे कान, सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। पता है, बादल जैसे जैसे बादल गरज रहे हो, बारिश हो रही है और हवा की सांस है, पता नहीं क्या हवा चल रही थी वहां पे। लेकिन लेकिन मैंने वो नंबर पता कर लिया किसका है। नव केसरी के एडिटर रावत का। यस, एक मिनट। अरे आइए। हेलो, राहुल मल्होत्रा। हाँ नहीं, वो है, आप आइए। अरे आज आपका ऑफिस खुला नहीं है क्या? हाँ खुला है, लेकिन पता नहीं बाहर दरवाजे पर तो लॉक लगा हुआ था। अरे वो गलती से रह गया होगा। आप आइए ना, आप बैठिए, दो मिनट में अभी आप बैठिए। थैंक यू। Amazing, you'll not believe it. This is just amazing. कौन है शैतान? अरे वही शैतान, शैतान का नाम लो और शैतान हासिल। शैतान? वही है, वही वही। You mean रावत? Yes, रावत। वो क्या कर रहा है? पता नहीं, लेकिन वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अब मुझे लगता है ये जरूर उस रानी चौहान ने उसे फोन करके बताया। उसी ने बताया। Don't get excited. ये काम करो, हाँ तुम ये सब संभालो, मैं उसे निपट के आता हूँ। ठीक है? क्या संभालोगे ना सब? हाँ या। हेलो सर।
गनीमत गनीमत है, गनीमत किस बात की? कम से कम कोई आया तो, वरना मुझे तो लग रहा था कि जिंदगी यहीं गुजर जाएगी गालिब। दरअसल मैं ये जानना चाहता था कि वो सांप कौन है जो कि इस ऑफिस को चलाता है। ऑफिस? सर ये तो आपका बड़प्पा ना कि आपने इसका ऑफिस बोला, नहीं तो हम तो बस अभी स्टार्ट ही कर रहे थे सर इसको। ये आप लोगों का स्टार्ट? कमाल। लेकिन मुझे उस आदमी से मिलना है। सर आप कहाँ जा रहे हैं? सर प्लीज, आप देखिए, अगर आप बिजनेस की बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप आई एम राहुल मल्होत्रा। ओहो, यू आर राहुल। मैं रावत, इस शहर के एक बहुत ही बहुचर्चित और बहुत ही बदनाम अखबार का एडिटर। आप शायद नाम सुना होगा, जनता की आवाज। यही फोटो है ना आपके? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज एब्सोल्युटली राइट। अरे भाई, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि मेरे अखबार की काफी चर्चा है शहर। अरे कमाल है आपका अखबार, कमाल है। अरे आपका अखबार एक अखबार नहीं है, एक यू नो इट्स अ हथियार, एक मशीन गन स्पेशली। जो आप भी पढ़ते हैं? नहीं एक्चुअली हम लोग पढ़ नहीं पाते, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, पूरा शहर तो पढ़ता है ना। हाँ, पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। दरअसल क्या है, मेरे पेपर के साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरे दुश्मन बहुत है शहर, इसलिए मेरा पेपर जनरली उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिन तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, ज्यादातर लोगों पर नहीं पहुंच पाता। आप एडिटर हो तो शांतनु, वो तुम्हें कोई जरूरी फोन कॉल करनी थी ना? नहीं भूल रहे तुम। हाँ चल। सो मिस्टर रावत, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मिस्टर मैं अपने ऑफिस में एक कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टॉल करना चाहूँ। आप तो जानते हैं कि आजकल अगर कंप्यूटर ना हो तो जरा अखबार ढंग से नहीं चल सकता। मैं सोच रहा था कि आपका ये क्या कंपनी का नाम है, स्पेस एज कंप्यूटर, अगर आप वो कंप्यूटर इंस्टॉल कर सकते। अब मिस्टर रावत, बड़ी खुशी की बात है कि आप अपनी कंपनी में एक कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टॉल करना चाहते हैं और इसके लिए आपने हमें चुना। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स की चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ प्रॉब्लम्स की चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं सॉल्व करूंगा। आप सिर्फ इतना कीजिए कि अपना एक रिप्रेजेंटेटिव मेरे ऑफिस में भेज दीजिएगा, वो वहां जाकर के मुझे एस्टीमेट बता दे, डील इज डन। समझ गए ना आप? मिस्टर रावत, मैं तो आपको समझ रहा हूँ, मगर शायद आप मुझे समझने में गलती कर रहे हैं। दरअसल पुराने ऑर्डर्स का हमारे पास इतना बैकलॉग है कि हम और कोई नए ऑर्डर्स ले ही नहीं रहे। नए ऑर्डर्स ले नहीं रहे? कमाल है। तो फिर आप तरक्की कैसे करेंगे भाई, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप तो बिजनेस में ना। I'm sorry मिस्टर रावत, देखिए मगर जैसे अपने पुराने ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे हम आपका काम जरूर लेंगे, एंड दैट इज अ प्रॉमिस। ओके कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? श्योर। आपके यहां लोग नहीं दिखाई पड़ रहे, लोगों की कमी है क्या? शायद हो सकता है इसीलिए आपका प्रोडक्शन कुछ काम। नहीं मिस्टर रावत, यहाँ बहुत लोग हैं। लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? चश्मे का नंबर तो ठीक है। दरअसल मिस्टर रावत, अभी ऑफिस का टाइम हुआ नहीं, इसीलिए कोई नजर नहीं आ रहा। ओहो टाइम, हाँ हाँ हाँ, 12 बज गए, 12 बज गए, मैं चलता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि मैं आपको फोन करूंगा अगर आप कंप्यूटर बेचना चाहते हैं। ओके सी यू बाय। मिस्टर रावत, आपके पास हमारा टर्फ नंबर तो है ना? हाँ हाँ, ये वो मैंने नोट कर रखा है। और मिस्टर रावत, क्या नाम बताया उन साहब का जिन्होंने आपको हमारी कंपनी का नाम सुझाया? अब मेरे नाम नहीं, वो दरअसल मेरे एक दोस्त है जिन्होंने कि आपसे कंप्यूटर खरीदा था, वो कह रहे थे कि कंप्यूटर सर एक्सलेंट, अच्छा आपका माल बहुत अच्छा। थैंक यू बॉस, हमने तो किसी को कंप्यूटर बेचा ही नहीं, और इन साहब को कंप्यूटर खरीदना भी नहीं था।